महावीर मेडिका हॉस्पिटल के समक्ष हनुमान मंदिर मुहर्रम टोली के प्रांगण में अपने सभी राम भक्तों एवं हनुमान भक्तों के साथ सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिसके आयोजन कर्ता संतोष कुमार बैठा उपस्थित थे। साथ ही दीपक कुमार महतो, गोविंद दुबे, डॉक्टर के दुबे, गौतम कुमार सिंह, अविनाश कुमार महतो, अशोक कुमार पंडित, निशित कुमार, जितेश कुमार भोला बैठा, रणधीर रजक, अश्विनी सिंह, राजेश शर्मा साथ ही अन्य राम भक्त हनुमान भक्त उपस्थित थे तथा गुड़ और चना का प्रसाद लोगों के बीच वितरण किया गया। साथ ही मेडिकल चौक दुर्गा मंदिर के पास सभी राम भक्त हनुमान भक्त मिलकर प्रसाद का वितरण सभी राम भक्तों ने मिलकर किया। एक बहुत बड़ी पहल एक समाज सेवी संतोष बैठा जी के द्वारा किया गया है। आज मेडिका के पीछे हनुमान मंदिर में एक शुरुआत की गई है जो कि हनुमान चालीसा पाठ के रूप में की गई है और यहाँ पर लोग काफ़ी लोग भी आए हैं और इस पाठ में बढ़ चढ़कर शामिल हुए हैं और पाठ एक साथ पढ़कर हनुमान जी का पाठ को पूरा किया है। इस मंदिर में, हनुमान मंदिर में हमारा पहला सप्ताह था जो हमने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया और मैं चाहता हूँ कि आप सभी दर्शक जो मुझे देख रहे हैं, आप सभी भक्त जो मुझे सुन रहे हैं, जो भी इस पाठ में हिस्सा लेना चाहते हो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं और साथ ही आने वाले सप्ताह में प्रत्येक सप्ताह हम लोग अलग अलग मंदिरों में साप्ताहिक मंगलवार को और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ सामूहिक रूप से करेंगे। मैं डॉक्टर के दुबे, हनुमान भक्त। ये कार्यक्रम हिंदू को जगाने के लिए, सोए हुए शेर को जगाने के लिए किया जा रहा है और ये जो है हनुमान मंदिर जहाँ जहाँ है और भी जो मंदिर है वहाँ पर हनुमान पाठ होगा और हर शनिवार हर मंगलवार को होगा और इसमें बहुत लोग बढ़ चढ़ के भाग लें और हनुमान जी जो हैं संकट निवारक हैं, हर संकट को निवारते हैं, इसलिए हफ्ता में दो दिन कम से कम हनुमान चालीसा करना चाहिए। इसलिए हर लोग को कहेंगे, हिंदू भाई को, कि हनुमान चालीसा करें, मंदिर में जाएं और प्रसाद भी ग्रहण करें। नमस्कार, मेरा नाम गोविंद दुबे हुआ, एक राम भक्त। मैं हनुमान जी सहित सभी श्रद्धालुओं को नमस्कार करता हूं। आज हम लोग मंगलवार से शुरुआत किए हनुमान चालीसा का। हनुमान चालीसा पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता, मुश्किल से 6 से 7 मिनट। और आज के युवा लोग थोड़ा, हमारे जो हनुमान चालीसा जो है वो हमारा बहुत पुराना ग्रंथ या बहुत पुराना दोहा है जो श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, इसे जानना चाहिए। इसमें बहुत ही अर्थ छिपा हुआ है, बहुत ही शक्ति है जो हमेशा युवाओं को प्रेरणा देगी कि कैसे अपने जीवन में संघर्ष किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए। तो मैं चाहता हूँ 6-7 मिनट में आप लोग अपना समय दें, हनुमान जी के प्रति श्रद्धा दें। इससे आने वाले जनरेशन, आने वाले युवा पीढ़ियों को बहुत मदद मिलेगी और अपने धर्म के प्रति लोगों की रुचि बढ़ेगी। नमस्कार। ताज़ा और अपडेट न्यूज़ के लिए देखते रहिए खबर 365 न्यूज़ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।